गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरी सिस्टम के आज के इस कार्यक्रम मुख्य कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर उपस्थित जनपद के प्रभारी मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सुरेश राणा जी, माननीय विधायक श्री पंकज सिंह जी, श्री धीरेन्द्र सिंह जी, श्री तेजपाल नागर जी, अध्यक्ष नोएडा अथॉरिटी श्री आलोक टंडन जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, पुलिस आयुक्त श्री आलोक सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नोएडा ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए, यमुना अथॉरिटी से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण, इस क्षेत्र के गणमान्य सभी उपस्थित महानुभाव, गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद उनके मुख्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। समय के अनुरूप हम सबको अपने आप को ले जाने की आदत डालनी पड़ेगी। और ये आज की आवश्यकता थी कि बदलते हुए परिवेश में लकीर का फकीर बनने की बजाय हम लोग किसी एक व्यवस्था को केवल अधिकारों की लड़ाई तक सीमित न रखते हुए उसे नागरिकों की सुरक्षा, बेहतर कानून व्यवस्था और स्मार्ट सिटी या स्मार्ट विलेज की तर्ज पर ही स्मार्ट पुलिसिंग के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें, इसके लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली हम लोगों ने दो शहरों में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर में लागू करने का निर्णय लिया। और आज गौतम बुद्ध नगर में मुझे प्रसन्नता है कि पुलिस आयुक्त की इस पद्धति को सफलता पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए नोएडा अथॉरिटी के सहयोग से यह एक बेहतर पुलिस आयुक्त मुख्यालय के लिए यह परिसर और यह भवन प्राप्त हुआ है। मैं नोएडा की इस टीम को, इस नोएडा के नागरिकों के लिए उठाए जाने वाले इस बेहतर कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह केवल भाषणों तक नहीं बल्कि हकीकत में दिखाई भी देने लगा है। हर एक क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिला है और वास्तव में इन बातों का एहसास वे लोग करते हैं जो उत्तर प्रदेश में, यहां पर कभी उनको आना होता है, उनको बाहर जाना होता है, जब अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश की तुलना करते हैं तो उनको एहसास होता है कि वास्तव में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। मुझे याद है जब 2017 के अंतिम समय में औद्योगिक विकास से संबंधित हमारी टीम मेरे पास आई थी, अक्टूबर नवंबर का माह था, और इस टीम ने कहा कि
हम लोग उत्तर प्रदेश में एक इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा क्या नाम रखा? उन्होंने कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। मैंने कहा लक्ष्य क्या रखा है? तो उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ का। तो मुझे हंसी भी आई और उनकी बातों पर तरस भी आई। मैंने कहा उत्तर प्रदेश की आबादी क्या है? उन्होंने कहा 22 से 23 करोड़। मैंने कहा 23 करोड़ की आबादी का प्रदेश और 20,000 करोड़ रुपए आप निवेश की बात करते हैं। मैंने कहा आपको ये बोलने में संकोच नहीं हुआ था क्या? उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा आपको मालूम है कि हमने आते ही 36,000 करोड़ रुपए के किसानों के कर्ज माफ किए थे। अगर इसका 10 टाइम्स यानी 10 गुना निवेश के प्रस्ताव आते हैं तो यहां पर इन्वेस्टर समिट होगा, अन्यथा नहीं होगा। उन्होंने कहा यह कैसे हो पाएगा? उत्तर प्रदेश में कौन आएगा? मैंने कहा हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आएगा। आप कार्य करिए, अपने सेक्टोरियल पॉलिसीज तैयार करिए। और पुलिस ने इन 6-7 महीनों के दौरान जो बेहतर कार्य किया है उसका अंदाजा भले ही यहां पर रहने वाले लोगों को न हो रहा हो, लेकिन देश के अंदर हर एक व्यक्ति प्रशासन की भी और पुलिस की भी इस कार्य पद्धति को स्वीकार कर रहा है। तो उस टीम ने मुझे इस बारे में कहा कि हम चाहते हैं कि कुछ जगह कुछ रोड शो हो। मैंने कहा भी ये आप करिए। उन्होंने कहा एक एक आध जगह आप चल पाएंगे? मैंने कहा किसी एक जगह में जाऊंगा। खैर वो टीम गई, एक जगह गई, उनको 10,000 करोड़ का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। दूसरी जगह गई, वहां भी 10,000 करोड़ का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वे फिर मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हमें लगता नहीं कि 50,000 करोड़ से ऊपर का मिलेगा। मैंने कहा जहां मैं जाऊंगा वहां पर जितना मैंने कहा उतना प्रस्ताव मैं लेकर के आऊंगा एक साथ। और उसके बाद तीसरा हमारा रोड शो का मुंबई में था, और मुंबई में एक ही दिन सुबह में गया था, रात्रि को मैं वापस लखनऊ आया था, और एक ही समय में मुझे लखनऊ में लखनऊ से मुंबई जाने के साथ ही 2.5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव एक साथ मुझे प्राप्त हुए थे। आज सफलतापूर्वक हम लोगों ने इस निवेश को उत्तर प्रदेश में करवाने में सफलता प्राप्त की। मुझे याद है सैमसंग हम लोग जब आ रहे थे तब यहां से बाइंड अप करके जा रहा था। ऐसी बहुत सारी लखनऊ से टीसीएस उस समय भागने की तैयारी कर रहा था। और भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ऐसे उद्यमी थे जो लोग उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं करना चाहते थे। कहीं पर शासन की के व्यवहार को देख करके, कहीं पर प्रशासनिक शिथिलता को देख करके, कहीं पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति को देखते हुए, लेकिन अंततः प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में जब सुधार होता हुआ दिखाई दिया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि प्रदेश के अंदर हम लोगों को जब इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने किया था तो इन्वेस्टर समिट में हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए थे 5 लाख करोड़ रुपए के। अभी डिफेंस एक्सपो लखनऊ में आयोजित हुआ, सभी लोग कहते थे कि डिफेंस एक्सपो में हमें एक वर्ष पहले जब डिफेंस एक्सपो की बात आ रही थी और डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात आ रही थी तो हमारे तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी श्री अनूप चंद पांडे ने जब मुझसे इस बारे में कहा कि हमें 20,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मिलेगा, मैंने कहा अभी भी आप लोगों का माइंड सेट नहीं हो पा रहा है, आप अपने को तैयार करिए, 50,000 करोड़ से कम नहीं होने वाला है। और हमें ठीक 50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस डिफेंस एक्सपो में हमें प्राप्त हुए हैं। एक एक करके प्रदेश के अंदर बदलता हुआ प्रवेश, और उसको लेकर के हम सबको एक साथ मिलकर के कार्य करना होगा। उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की पुलिस की इसमें बड़ी भूमिका होने जा रही है। और इसीलिए आते ही हम लोगों ने सबसे पहला काम यही किया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यहां की भर्ती पे जो रोक लगाई थी, हम लोगों ने अपनी एक ट्रांसपेरेंट भर्ती की पद्धति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया। उन्होंने हमें तत्काल अनुमति दे दी। अब तक 1,37,000 पुलिस
पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को हम संपन्न कर चुके हैं प्रदेश के अंदर, और आपने देखा कहीं कोई किसी भी प्रकार की कोई उंगली नहीं उठ सकती है। आज ये प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक हुआ है। इतने बड़े प्रदेश में मैं देखता था हमारे पास 23 करोड़ की आबादी के प्रदेश में पुलिस बल हमारे पास लगभग 1,30,000 तक सीमित होकर के रह गया था, लेकिन अब 1,37,000 ये नया फोर्स हमारे सामने आया है। ट्रेनिंग की कमी थी, हमने पहले दो कार्यों पर फोकस किया, एक पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता को दोगुना करने पर और दूसरा पुलिस की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर के। मैं जब लखनऊ पुलिस लाइन में गया था मैंने वहां की पुलिस बैरक की स्थिति देखी, यानी इतनी बदतर स्थिति थी, इतनी खराब स्थिति थी, ऊपर जितना फॉल सीलिंग लगा था वो पूरा लटका हुआ था, पूरे जाले लगे हुए थे, फर्श का कहीं पता ही नहीं था, दरवाजे को भी पता नहीं था, और वहीं पर एक पुलिसकर्मी टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ था। मैं बिना किसी को बताए हुए मैं वहां पहुंचा था तो मुझे दृश्य सब देखने को मिला था। सामने से गंदी नाली बह रही थी, जगह जगह कूड़ा भरा हुआ था, प्लास्टिक भरा पड़ा था, तो मैं सबसे पहले आया, मैंने सबसे पहले प्लास्टिक पे ही रोक लगाई। मैंने कहा प्लास्टिक रोक दो तो नाली चौक होनी बंद हो जाएगी। इसके बाद मैं वहां से आया, मैंने तत्कालीन जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे होम के, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा पुलिस की बुनियादी सुविधाओं के लिए क्या किया गया? उन्होंने कहा साहब पैसे नहीं है। मैंने कहा पैसे की कमी नहीं है, नियत में खोट है, इस नियत को दुरुस्त करो और एक साथ प्रस्ताव लेकर के आइए। उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा के द्वारा जो उत्तर प्रदेश को विशेष कृपा बरसती है, उत्तर प्रदेश में किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती है। और मैंने यानी जो व्यवस्था कहती थी कि पैसा नहीं है, मैंने नाबार्ड को भी बुला दिया, मैंने हुड़को को भी बुलाया, मैंने कहा बताओ मुझे कितना पैसा आप दे सकते हैं। उन्होंने कहा साहब जितना पैसा मांगेंगे। मैंने कहा 6,000 करोड़ रुपए का एक पूरा प्रस्ताव बना दीजिए, पूरी व्यवस्था को एक बार में पैसा देकर के बदल डालो। हमें कहीं से लोन नहीं लेना पड़ा, प्रदेश सरकार के अपने बजट से सारा पैसा दिया जा रहा है। आज हर एक पुलिस लाइन में, मैं भी शामली से आ रहा हूं, शामली जनपद बने हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, ऐसे 7 जनपद हैं जिनमें अपनी पुलिस लाइन नहीं, जिलाधिकारी के पास अपने कार्यालय नहीं, पुलिस अधीक्षक के पास अपना कार्यालय नहीं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास अपना मुख्यालय नहीं, और आप उम्मीद करते हैं कि लोग परफॉर्म करेंगे? पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय सुविधा नहीं, आप उम्मीद करते हैं कि स्मार्ट पुलिसिंग में सहयोग देगा? हम लोगों ने पिछले 2 वर्ष के दौरान इसको फोकस किया है। आज हर पुलिस लाइन के लिए हम पैसा उपलब्ध करा चुके हैं, हर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के लिए, उसके मुख्यालय के लिए, आवासीय और अनावासीय भवनों के लिए पैसा हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। हर एक पुलिस लाइन के साथ साथ पुलिस थाने, पुलिस चौकी में भी पुलिस की आवासीय व्यवस्थाओं के लिए हम लोगों ने पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई है। लेकिन साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे हम स्मार्ट पुलिसिंग को आगे बढ़ा सकते हैं? हम लोग आए थे नोएडा में, एकमात्र साइबर थाना किसी प्रकार से श्वास ले पा रहा था। आज हम 2 साइबर थानों के साथ ही सभी 18 कमिश्नरी में एक एक साइबर थाना और एक एक फॉरेंसिक लैब की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ा चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल का भी एक अपना विश्वविद्यालय हो, पुलिस एंड फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का बिल हम लोगों ने इसी विधानमंडल की वर्तमान जो निवर्तमान जो भी हमारा सत्र संपन्न हुआ है, इस सत्र में हम पारित कर चुके हैं और इसी सत्र में हमारा प्रयास है कि हम इस विश्वविद्यालय का भी कार्य प्रारंभ कर दें। पुलिस के आधुनिकीकरण के साथ साथ हर एक ओर हम लोग इस व्यवस्था को लागू कर सकें, बहुत इसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ करना है। मैं इस बात को अक्सर देखता हूं कि स्मार्ट एंड सेफ सिटी में हमारे पास पैसा है लेकिन हम उसकी कार्ययोजना नहीं बना पा रहे हैं। और इन सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से आबादी बढ़ी है, अपराध की प्रकृति बदली है, इसको देखते हुए अगर हम उसके अनुरूप अपनी रणनीति नहीं तय करेंगे
तो कभी भी अपराध को नियंत्रण करने में हमें सफलता नहीं प्राप्त हो पाएगी। और उसके अनुरूप तैयारी करना, उसके अनुरूप अपनी ट्रेनिंग को स्थापित करना और उसके अनुरूप अपने पुलिस बल को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को बढ़ाना, हमें पुरातन और नवीन के बीच में एक समन्वय बनाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए ही पुलिस आयुक्त प्रणाली को हम लोगों ने प्रदेश के 2 शहरों में लागू किया है। बहुत दिनों से मांग थी, इच्छा शक्ति का अभाव दिख रहा था, लेकिन हम लोगों ने इस कार्य को एक साथ यहां पे लागू किया है। ये कहीं भी अधिकारों का द्वंद नहीं है, यह तो नागरिकों को बेहतर माहौल देने, एक सुरक्षित माहौल देने की दिशा में और प्रदेश को विकास की उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में किए जाने वाली प्रयास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और उस कड़ी का हिस्सा आज बनने के लिए मैं स्वयं आपके पास यहां नोएडा में आया हूं। ये नोएडा कभी अभिशप्त था, या तो मुख्यमंत्री के लिए या नोएडा के लिए, लेकिन हम लोगों ने इस मिथक को तोड़ा है, क्योंकि हमें 23 करोड़ जनता के हित के लिए कार्य करना है। और 23 करोड़ जनता के हित के लिए कोई कार्य करने हैं तो हमें कुछ मिथकों को तोड़ना पड़ेगा, हमें उन रूढ़िवादी परंपराओं को एक ओर करना पड़ेगा। और इसी दिशा से एक नई दिशा में क्षेत्र चलेगा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग जेवर में देने जा रहे हैं, और मुझे लगता है इसके साथ ही आप देखना कि कितना बड़ा न्याय और कितना शोषण नोएडा का हुआ है, ग्रेटर नोएडा का हुआ है, यमुना एक्सप्रेस वे के नाम पर हुआ है, इस क्षेत्र के नागरिकों के नाम पर हुआ है, यहां पर रहने वाले जितने वरिष्ठ नागरिकगण हैं उन लोगों का हुआ है, या यहां पर जो लोग अपने कारोबार को लेकर के आए हैं या जो लोग कार्य करने के लिए आए हैं, इन सब के यहाँ के युवाओं के साथ, हर एक तबके के साथ किस किस स्तर पर अन्याय हुआ है, ये सारी चीजें भी देखने को मिलेंगे। लेकिन हम पीछे की बातों पर बहुत जाना नहीं चाहते, एक नई दिशा में से आगे बढ़ा देना चाहते हैं, और ये पुलिस आयुक्त तो प्रणाली उसी कड़ी का हिस्सा है। आज की मांग थी, उस मांग के अनुरूप ये निर्णय सरकार ने लिया है, और मैं चाहूंगा कि सभी लोग मिलकर के इस प्रकार की पद्धति को आगे बढ़ाने का कार्य करें, और बहुत अच्छी चीजें आपको आने वाले समय बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने कहा पब्लिक से हमारा टच होना चाहिए, आज ये ब्रिटिश पुलिस नहीं है, हमें हिंदुस्तान की पुलिस बनकर के एक कॉमन मैन के साथ उससे सीधे हमारा संवाद होना चाहिए, सीनियर सिटीजन के साथ हमारे सीधे संवाद होने चाहिए, हम उनकी समस्याओं को सुने, उनकी भावनाओं का सम्मान करें, कहां पर हम उनकी समस्याओं के समाधान में सहभागी बन सकते हैं इस दिशा में हमारी ओर से प्रयास होने चाहिए। फुट पेट्रोलिंग को बढ़ावा देने की कार्रवाई, बालिकाएं नोएडा ग्रेटर नोएडा जैसे क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएं और बालिकाएं यहां पर विभिन्न सेंटरों में काम करती हुई दिखती है, वे अलग अलग शिफ्ट में कार्य करती है, उनके सामने सुरक्षा का कोई भी इस प्रकार का की समस्या न पैदा होने पाए, इसके लिए क्या हम अपनी 112 की पीआरबी में के माध्यम से उन्हें सुरक्षा का माहौल दे सकते हैं, बेहतर पेट्रोलिंग के माध्यम से हम उन्हें सुरक्षा का कोई बेहतर माहौल दे सकते हैं, कैसे हो सकता है, हमें इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि लोकतंत्र में चुने गए जनप्रतिनिधि, प्रशासन, पुलिस, ये सभी मिलकर के अगर एक साथ मिलकर के कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो उसके बेहतर परिणाम भी आएंगे। और मैंने इस बात को यहां पर देखा है कि जब हम लोगों ने जेवर एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ की थी, आज तो अगले निर्माण कार्य की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन आप सब जानते हैं ये वही क्षेत्र है जहां भट्टा पारसोल की घटना घटित हुई थी, ये वही क्षेत्र है जहां पर अक्सर अपराध की बड़ी बड़ी बर्बर घटनाएं घटित होती थी, लेकिन आज ये दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे विकसित शहर बनने की ओर अग्रसर जेवर और उसके आसपास का क्षेत्र जा रहा है। क्योंकि मैं एक बार यहां आया था, और जब मैं 1.5 वर्ष पहले यहां आया था, मैंने यहां के किसानों से इस बात बारे में विनम्र अनुरोध किया था, मैंने कहा देखिए ये तय करना आपका काम है, मैं आपके पास आया हूं, और इसलिए आया हूं मैं जब देखता हूं जेवर और उसके आसपास में घटित होने वाली घटनाओं को देखता हूं, तो मुझे
वर्तमान की इन घटनाओं पे दुख तो होता है, लेकिन मुझे आने वाले भविष्य के उस अंधकार की ओर की अंधकार से भी मुझे और भी भय होता है कि आने वाली पीढ़ी की स्थिति क्या होगी। और उससे बचने का एक ही तरीका हो सकता है और वह है विकास। विकास की इस प्रक्रिया के साथ आप सबको जुड़ना होगा, और उस प्रक्रिया के साथ अगर आप सब जुड़ जाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो ये बदनामी आपके साथ जुड़ जाती है, इस आप सब के साथ जुड़ जाती है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से उस दृश्य देख के आया हूं। मैं गोरखपुर से 1998 में पहली बार सांसद चुना गया था, और जब मैं पहली बार सांसद चुना गया था तो मैं गोरखपुर में एक खाद कारखाना उस समय था 1990 में बंद हो गया था। उस खाद कारखाने को पुनः चलाने के लिए मैं तत्कालीन फर्टिलाइजर मिनिस्टर श्री सुरजीत सिंह बरनाला के पास गया था, तो बरनाला जी मुझे देखे और देखने के बाद कहा कि आप कहां से चुन के आए। मैंने कहा मैं गोरखपुर से। कहा नहीं, कौन गोरखपुर? मैंने कहा उत्तर प्रदेश गोरखपुर। कहा कि देखते रहे मुझे आधे घंटे तक। मैंने कहा सरदार जी मुझे देख क्या रहे, मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं आपने दिया कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना चलेगा या नहीं चलेगा? उन्होंने कहा नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि आप गोरखपुर से चुने कैसे गए हैं। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा साहब मैं 25 साल पहले गया था वहां, और मैं एक चुनावी सभा में गया था, जैसे ही सभा में गया था तब तक बॉम्ब चलने लग गए, और मैं वैसे वहीं से पीछे से उतर करके भागा। आज तक उसके बाद गोरखपुर द्वारा नहीं गया मैं। ये स्थिति गोरखपुर की थी। मैंने कहा आज तो गोरखपुर में कुछ नहीं होता, गोरखपुर बहुत शांत है। मैंने कहा पिछले 1998 में तब फिर संकल्प करके मैं गया था। मैंने कहा मुझे गोरखपुर में कोई भी ऐसी घटना नहीं होने देनी है, कोई घटना नहीं घटित होगी जिसके कारण गोरखपुर की बदनामी हो। और मैं 1998 के बाद से इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि 1998 से लेकर के 2020 में हम लोग हैं, पिछले 22 वर्षों में गोरखपुर में एक भी अपहरण नहीं हुआ है, किसी भी बालिका का अपहरण नहीं हुआ, किसी व्यापारी का अपहरण नहीं हुआ, किसी उद्योगपति का अपहरण नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की कोई अराजकता के लिए वहां कोई जगह नहीं। हर एक व्यक्ति वहां पर आज के दिन पर सुरक्षित है। हम लोगों ने हर एक व्यक्ति के साथ, मैंने एक सांसद के रूप में, सत्ता में कोई भी रहा हो, लेकिन मैंने बेहतर संवाद व्यापारियों से भी, उद्योगपतियों से भी, आम पब्लिक से भी, समाज के हर एक तबके के साथ बेहतर संवाद बना करके और एक ऐसा वातावरण वहां पे प्रस्तुत किया कि आज वहां पर एक सुरक्षा का बेहतर माहौल बना। आज वहां पर भी निवेश तेजी के साथ हो रहा है, तेजी के साथ वहां पर निवेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज गोरखपुर में बंद कारखाना जिसके लिए मैं 1998 में लड़ रहा था, आज इसी वर्ष के अंत तक वो फर्टिलाइजर कारखाना फिर से बन करके 21 के प्रारंभ में चालू हो जाएगा, फिर से प्रारंभ होने जा रहा है। आज गोरखपुर में एम्स बन रहा है, आज गोरखपुर में एयर कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो चुकी है, दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट चल रही है, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलुरु, प्रयागराज, इन सबको उसने कनेक्ट, बहुत बेहतर कनेक्टिविटी इसकी हो चुकी है, एक अच्छी दिशा में लोग बढ़ रहे हैं। और मेरा मानना है कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, और उस विकास के लिए अपनी युवा पीढ़ी को तैयार करना। मैंने जेवर के किसानों से इसी बात को, मैंने कहा आपका जीवन कट चुका है, जैसे तैसे आपने अपना जीवन व्यतीत कर लिया है, लेकिन अब आगे के भविष्य के बारे में सोचिए क्या हो सकता है। और बहुत सकारात्मक उसका परिणाम रहा। मेरे आवास पे आकर के पहली बार हुआ जब जेवर के किसान मेरे आवास पर आए और उन्होंने कहा साहब ये हमारी जमीन है, हम पैसा ले चुके हैं, ये कब्जा हम सरकार को दे रहे हैं, आप वहां जेवर में एयरपोर्ट बनाइए। ये है सकारात्मक माहौल, और उस सकारात्मक माहौल के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि पुलिस आयुक्त प्रणाली उसी तर्ज पर आगे बढ़ाने की पद्धति का हिस्सा है। अभी हमें बहुत सुधार करने हैं, एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और जो उत्तर प्रदेश के हित में होगा, 23 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए, उनके एक समृद्धि के लिए, उनकी सुरक्षा और उनके व्यापक हित में जो भी कदम उठाने पड़ेंगे सुधार के, उस प्रकार के कदम उठाने में सरकार किसी प्रकार के संकोच नहीं करेगी। आज यही कहने के लिए मैं नोएडा में यहां पर आया हूं। मैं एक बार फिर से पुलिस आयुक्त प्रणाली और उनके इस मुख्यालय के लिए गौतम बुद्ध नगर के सभी नागरिकों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और आप सभी यहाँ के महानुभावों को
बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि टीम नोएडा मिल करके इस पूरे कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा करके अन्य लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि सेक्टर 108 में जहां पर कमिश्नर ऑफिस बना है वहां पहुंचे हुए थे और बातें रखते हुए कि पूरे प्रदेश में सुरक्षा का आलम बना है, सुरक्षा को लेकर, पुलिस को लेकर, व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है, आने वाले दिनों में बहुत कुछ करना है। इस ध्येय के साथ मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन देते हुए, तो जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा उसके लिए क्या कुछ करना था, क्या कुछ किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, इन सभी बातों को रखा और कहा कि नए बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सीएम योगी ने किया पुलिस कमिश्नर ऑफिस का उद्घाटन और समय के साथ बदलाव जरूरी है, इन बातों का जिक्र किया। बहुत से उदाहरण उन्होंने पेश किए, गोरखपुर का उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में वहां किसी व्यापारी का, किसी बालिका का अपहरण नहीं हुआ है, इस कदर वहां पर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सन 98 में जो फैक्ट्री बंद हो चुकी थी उसको लेकर वो सुरजीत बरनाला से मिले जो उस वक्त फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे, तो क्या हाल था, और आज वही फर्टिलाइजर यूनिट जो है फिर से बनकर तैयार है और 2021 में फिर खुलेगी। यानी कि बदलाव जो है उसके लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। प्रदेश की पुलिस और ज्यादा आधुनिक होगी,